बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के लड़कियों को सुर्खनखा कहने वाले बयान पर बवाल मच गया है। जगह जगह पर उनके बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भोपाल में भी आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने सड़क पर उनके पोस्टर पर जूते चप्पल मारकर प्रदर्शन किया। दरअसल बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक कार्यक्रम में लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा था कि लड़कियां जब छोटे कपड़े पहनती हैं तो वो देवी नहीं सुर्खनखा लगती हैं। विजयवर्गीय के इस बयान को लेकर जगह जगह पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भोपाल में आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने भी कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर पर जूते और चप्पल मारकर विरोध प्रदर्शन किया एवं भाजपा सरकार और भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। आम आदमी पार्टी अपना प्रदर्शन विरोध जता रही है उस ट्रीटमेंट के खिलाफ जो एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने दिया है महिलाओं के बारे में, महिलाओं के पहनावे के बारे में अभद्र टिप्पणी की है। मैं ये सवाल आज करना चाहूंगी यहाँ के मुख्यमंत्री जी से, जो इतनी सारी योजनाएं चलाते हैं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या लाडली बहना, पर क्या ये केवल मुखौटा पहने हुए सरकार है? उसका सरकार का असली चेहरा आज सामने आया जब वो इतने बड़े नेता की जो उन्होंने वक्तव्य दिया उसकी भर्त्सना नहीं की, उसकी निंदा नहीं की। हम आज कहते हैं कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए और भाजपा सरकार को आगे आके महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए उनके बारे में ऐसी टिप्पणी की। वो बहुत ही रॉन्ग एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं पूरे समाज के सामने। वो पहली चीज है, क्या होते कौन है थप्पड़ मारने वाले? क्या कानून व्यवस्था मर गई है? मतलब क्या आपको कानून व्यवस्था के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? जो आप खुद गाड़ी से उतरोगे और थप्पड़ मारते फिरोगे, आज आप थप्पड़ मारने की जो बात कर रहे हो ना, आपके जो पूरी वानर सेना है ना चेले चपाटे, वो कल से उतर उतर के मारना शुरू कर देंगे। आप ये किस किस को रोकोगे? आप एक इतने रिस्पॉन्सिबल पद पर बैठे हुए हैं और आप इतना अभद्र टिप्पणी और इतना इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहे हैं बिना सोचे समझे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।